जय। देखो यार, खाली मत बैठो। कुछ भी हो, कोई भी सरकमस्टांसेस हो, कुछ भी दिक्कतें हो, या जो भी सिचुएशन बनी हो, कभी भी अपने आप को फ्री मत बैठने दो। अब देखो हो क्या रहा है आजकल। आजकल तुम देख रहे हो कि डिप्रेस्ड बहुत हैं लोग, एनजाइटी का शिकार हो रहा है सबको, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी है, डॉक्टर इलाज हो करते हैं इसका, लेकिन हम यहाँ पे ये कह रहे हैं जब भी तुम खाली बैठते हो तो ये चीज़ें और हावी हो जाती हैं। तुमने कभी भी देखा है, जब तुम खाली बैठने का मतलब ये नहीं है कि अगर हम मेडिटेशन की सुबह बात करते हैं तो उसमें भी दिक्कत होगी, नहीं, वो चीज़ नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं घंटों तुम अगर खाली बैठे हो, अब मेडिटेशन थोड़ी तुम 10 घंटा करोगे, घंटों खाली बैठे हो, तीन तीन चार चार घंटे तुम्हारे पास कुछ करने के लिए ही नहीं है फोन के अलावा, या फिर तीन चार घंटे तुम कुछ करने का तुम्हारा मन नहीं हो रहा, इस कंडीशन में तुम्हारा दिमाग खत्म हो रहा है। इस कंडीशन, ये जो सरकमस्टांसेस बन रहे हैं, इसमें तुम डिप्रेशन के ऐसी ऐसी जोन में जा रहे हो जहां से तुम निकल नहीं पाओगे, ये मेरा पक्का वादा है तुमसे। इसलिए कुछ भी करो, हम ये कह रहे हैं कि अगर पढ़ाई में मन नहीं कर रहा कोई दिक्कत नहीं, बाहर चले जाओ दोस्तों के साथ कुछ देर के लिए। पढ़ाई में मन नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, दौड़ जाओ जाके 2 4 6 घंटा। नहीं मन कर रहा है, मूवी वूवी देखने मत जाना, चले भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, एक दो दिन को चलता है। लेकिन हम कहने का मतलब मेरा बस इतना है कि खुद को इतना खाली मत रखो कि दिमाग में उलझल उल चीज़ें आने लगें, क्योंकि कहा जाता है ना, वो खाली दिमाग शैतान का घर, वो बात बिल्कुल सच है। और तुम देखोगे जब भी तुम खाली बैठोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में जितनी दिक्कतें आई थी वो सब सामने आ जाएंगी, कि तुम्हारे साथ इसने गलत किया, तुम्हारे साथ उसने गलत किया, तुम्हें इससे बदला लेना है, तुमने उसके साथ इतना कुछ किया था। ये सारी चीज़ें तभी आती हैं जब तुम खाली बैठते हो। अगर तुम प्रॉपर फोकस कर रहे हो अपना काम में, किसी भी काम में तुम अपना 100% दे रहे हो, लगा रहे हो, तभी ये सब चीजें दिमाग में नहीं आती हैं। लेकिन जिस समय तुम खाली बैठ गए तो ये सब, जितना तुम बचपन से अभी तक जितनी गलतियां करते चले आए, सब दिमाग में गूंजने लगेंगी, और फिर तुम डिप्रेशन जो है वो उसका फेज और बढ़ता चला जाता है। यही होती है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें किससे आती हैं? ये इसी से आती हैं जब तुम खाली बैठते हो। ज़्यादा अगर पढ़ाई कर रहे हो उससे जो स्ट्रेस आता है वो पॉजिटिव, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। जो खाली बैठने से जो स्ट्रेस आएगा वो तुम्हें सीरियस डिप्रेशन दे जाएगा, ये मेरा वादा है। क्यों? क्योंकि तो वो तुम्हें सोचने पे इतना मजबूर कर देता है, और अच्छा सोचने पे मजबूर करे तब भी ठीक है, वो तुम्हें ऐसी गंद चीज़ें सोचवाता है, सोचने पर मजबूर करता है जो कि तुम सोचना नहीं चाहते हो। इसलिए कभी भी खाली मत बैठो। कुछ नहीं, हमने कहा था कि कुछ किताबें आती हैं बहुत बेहतरीन, आती हैं उपन्यास, या फिर हम ये कहें कहानियाँ आती हैं बेहतरीन, जिनमें कुछ सीख भी जाओगे तुम, वो पढ़ लो, इंटरेस्टिंग भी होती हैं। एनसीईआरटी पढ़ो, कहानियाँ हैं बेहतरीन, मज़ा आ जाएगा। लेकिन खाली मत बैठो, खुद को 1 मिनट का भी खाली टाइम मत दो, क्योंकि 1 मिनट का भी वो खाली जो होता है ना पैराग्राफ, उसमें तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, इसलिए खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। राम राम।